दस रहे हाँ कि सिरसा के अंदर अज हरियाणवी गाने की जो शूटिंग है वह हो रही है। भारत पाकिस्तान के एक फाइटिंग एक मैच के गाना है वो दर्शाया जा रहा है, जिसकी अज जो शूटिंग है जो पहला शॉट है प्रेस वार्ता का जो शॉट है वह सिरसा के अंदर अशोक तंवर की कोठी के अंदर दर्शाया गया। इस दे विच खासियत यह है कि इंडिया अते पाकिस्तान का एक मैच है वह दर्शाया जाएगा अते किस तरीके दे नाल उस गाने की पेशगी है कि उस गाने विच रोल रहेंगे जी एल एम प्रोडक्शन द्वारा एक गाना दर्शाया जा रहा है कि इस गाने की खासियत रहेगी। अते मनदीप जांगड़ा जो कि अर्जुन अवार्ड नाल सम्मानित ने वह इस गाने विच की रोल कर रहे ने। अनिरुद्ध जो कि हमेशा ही एक हीरो का रोल तुहाडे सामने आया है कि अनिरुद्ध का जो हीरो का रोल है इस गाने विच की उन्हां दा शॉट है कि एक गाना रहेगा। गल करवाने हाँ मैडम अवंतिका तंवर दे नाल ते जानते हाँ कि इस पूरे गाने की शूटिंग की जो रूपरेखा है वह की रही। ये बेसिकली जो गाना है स्पोर्ट्स के ऊपर है और इंडिया पाकिस्तान दोनों की तरफ का मैच बॉक्सिंग पे दिखाया जा रहा है और पूरी शूट सिरसा में ही है और हमारे समय सिरसा के मनदीप जांगड़ा जी पहली बारी कोई गाना करने जा रहे हैं तो हमारे लिए भी बड़ी गर्व की बात है कि उन्होंने इस गाने में के थ्रू आ रहे हैं पहली बारी इस इंडस्ट्री में। और शूटिंग यही कि आपको काफ़ी चेहरे सुशील मानव जी जो बहुत बड़ा चेहरा है आप लोगों के मीडिया लाइन से वो भी पहली बार ही किसी गाने में काम कर रहे हैं तो सुशील भाई साहब भी हैं और सिरसा के काफ़ी लोग मिलेंगे और शूटिंग सिरसा में आज और आज का पूरा दिन लेट नाइट चलेगी एंड स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रही है। देखिए गाना लिखा नवनीत वर्मा जी ने है और जो स्टोरी की थीम लाइन है वो मेरे छोटे बेटे आदिकर्ता की है, गाया भी आदिकर्ता नहीं है और जितनी भी जो पूरी जो स्टोरी है वो सारी की सारी मेरे छोटे बेटे का जो है उसका थीम है जो पूरी स्टोरी लाइन आप लोग देखेंगे सॉन्ग में। देखिए अनिरुद्ध ने काम पहले गानों के माध्यम से ही आए थे वो और फिर मूवी हुई अब गाने कर रहे हैं और जैसे जैसे देखिए कोई भी कलाकार के लिए कोई बाउंडेशन नहीं होती, जैसे जैसे कोई जो अच्छा प्रोजेक्ट आया कोई अच्छी चीज़ क्योंकि ये एक बड़ा प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट था जहाँ पे हम दो देशों को इंडिया पाकिस्तान को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो उस और प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा था और अब की बारी आप पहली बारी हमेशा अनिरुद्ध को हमने एज अ हीरो दिखाया तो पहली बारी एज अ विलन अनिरुद्ध और कई बारी विलन का रोल ऐसा होता है कि बड़ा प्रॉमिसिंग और बहुत कुछ करने को मिलता है तो एक बहुत ही अलग चीज़ है उनके लिए बिकॉज दिस टाइम ही इज़ नॉट कमिंग एज अ हीरो ही इज़ कमिंग एज अ विलन। तो जो भी जो चीज़ अच्छी होगी उसको उसी तरीके से फ्लो के साथ ही जाएंगे। गाना तो आज कल अर्ली मॉर्निंग तक कंप्लीट हो जाना चाहिए बट रिलीज़ आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज एडिटिंग टेबल पे जाएगा और बड़ी सारी चीज़ें रहेंगी तो आई थिंक मान के चलिए मैक्सिमम विद इन मंथ, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए।